नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पुण्यता की आवाज़ में स्वागत करती हूँ। हमारे जीवन में हर मोड़ पर संघर्ष आता है, पर हम सभी को उसको पार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में असफलता मिलती है पर हमें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन को आसान बनती है। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। अब हम जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी से सीखते हैं। ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उनको चाहिए था वह उनको मिला नहीं। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में कुछ निराशाजनक विचार आने लगे और वे सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार के भी समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा और मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध मन में निर्माण हो रहे थे। गौतम बुद्ध को तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर विचार कर रहे थे, तभी इसी दौरान उन्हें प्यास लगी और वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक गिलहरी अपने मुँह में कुछ फल लिए सरोवर के पास आई और फल उसके मुँह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है, तभी गिलहरी पानी में छलांग लगा दी और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आई, और बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और दोबारा सरोवर में कूद गई। उस गिलहरी ने यह कार्य करना जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी और वह लगातार अपने काम में जुटी रही। तभी बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है जो सरोवर का जल कभी नहीं सूखा सकेंगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और वह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर में खाली करने में जुटी है। अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ, यह तो गिलहरी है फिर भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है और मैं तो मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे, अब मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। फिर एक दिन वो भी आया जिस दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। सीख। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमें असफलताओं की वजह से कभी हार नहीं मान लेनी चाहिए और ये जो भी असफलताएं आती है उनसे हमें सीख लेकर आगे बढ़ाना होता है। इस वीडियो से सीख मिली है, आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। धन्यवाद।